सावन का महीना आते ही चारों तरफ भक्तिमय माहौल सारा बोर हो जाता है। सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों का भीड़ पहुंचना जारी हो जाता है। वही इस पावन महीने में सोमवार को विशेष महत्व होता है। शिव भक्तों का ये मानना है कि अगर सच्चे मन से सोमवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनकी आराधना की जाए तो भक्तों की हर मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। बताते चले कि आज 24 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवारी को लाखों की संख्या में शिव भक्त बक्सर के रामरेखा घाट में गंगा जल लेकर विभिन्न शिवालयों के अलावा 40 किलोमीटर की पैदल डाक बम तथा कांवड़ यात्रा कर ब्रह्मपुर के ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर शिव भक्त जलाभिषेक कर आराधना करते हैं। इस अपार भीड़ की संभावना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की व्यवस्था भी हर जगह देखी गई। इस मामले में बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि लाखों की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए बक्सर सहित अन्य क्षेत्रों से पहुँचते हैं। बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर की महिमा भी पुजारी ने बताया कि कैसे मोहम्मद गजनी ने पूरे देश में मूर्तियों को खंडित करते हुए बाबा परमेश्वर नाथ धाम पहुंचा और फिर वापस बैरंग लौटा। इस पूरे मंदिर के अलावा पूरे देश में कहीं भी मंदिर का दरवाजा पश्चिम की दिशा में नहीं देखा जाता। बाबा परमेश्वर नाथ प्राचीन शिवलिंगों में जाना जाता है। इसका वर्णन अनेक पुराणों में भी मिलता है। सच्चे मन से जो भी इस मंदिर में शिव भक्ति अपनी मनोकामना को लेकर पाठ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहां रात्रि 2 बजे पंडा समाज के लोग द्वारा पूजा अर्चना और भोलेनाथ की आरती के दौरान का मनोरम दृश्य देखने को मिला। इस पूजा पाठ का बाद दूर दराज से आए भक्तों के मुख्य गेट का दरवाजा खुलते ही भक्त बाबा परमेश्वर नाथ को जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए भीड़ लग गई। सिटी न्यूज बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। श्रावणी मेले को लेकर हमारा डिपुटेशंस है और जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है उसको हमने दुरुस्त दुरुस्त किया हुआ है। कुछ जगह हमने वन वे किया है, कुछ जगह रास्ते को जो भी है गाड़ियों के लिए गाड़ियों का आवागमन बाधित भी किया गया है। कुछ जगह पे डिप्लॉयमेंट हमारा है, महिला फोर्स भी हमारी लगी हुई है। ब्रह्मपुर में महिला पुरुष दोनों लगे हुए हैं। हाईवे जो हमारा है, हाईवे पर हमारी पेट्रोलिंग चल रही है, मोटरसाइकिल गश्ती चल रही है, ठीक है। कांवरियों को कोई दिक्कत नहीं हो ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। एक चीज़ सर देखने को मिल रहा है सर, सीसीटीवी कैमरा खराब है रामरेखा घाट पे और ऐसे में बड़ी भीड़ आती है, चोरों चोखों का रहता है। रामरेखा घाट का भी हम लोग डेपुटेशन हम लोगों ने अच्छे से कराया है, सीसीटीवी का हम लोग देख रहे हैं।